नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास आरम्भ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री निवास है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए महानदी भवन, ऑप्शन बी इंद्रावती भवन, ऑप्शन सी मिनीमाता भवन, ऑप्शन डी करुणा निवास। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास का नाम है करुणा निवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 30.47%, ऑप्शन बी 32.58%, ऑप्शन सी 35.66%, ऑप्शन डी 42.43%। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए राम गोपाल तिवारी, ऑप्शन बी वामन राव लाखे, ऑप्शन सी माधव राव सप्रे, ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं माधव राव सप्रे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम विलास के रचनाकार हैं कौन है उनके रचनाकार? ऑप्शन ए कवि गोपाल मिश्र हैं, ऑप्शन बी बाबू रेवाराम हैं, ऑप्शन सी दलपत राम हैं, ऑप्शन डी हीरा लाल हैं। तो विक्रम विलास के रचनाकार हैं रेवाराम बाबू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी पीपल। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है कौन सा है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? ऑप्शन ए 1091, ऑप्शन बी 1098, ऑप्शन सी 1099, ऑप्शन डी 108। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए सरगुजा से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी जसपुर से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी बलरामपुर से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी कोरबा से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका राइट आंसर बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी है, ऑप्शन बी पैरी है, ऑप्शन सी शिवनाथ है, ऑप्शन डी इंद्रावती है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए सीता नदी, ऑप्शन बी भोरमदेव, ऑप्शन सी तमोर पिंगला, ऑप्शन डी बादलखोल। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य है ऑप्शन ए सीता नदी।